डायरिया गाइस, डायरिया एक नॉर्मल सा एक लूज मोशन होता है, उसमें डायरिया के केस में, जो कि डायरिया लूज वाटर होता है जो फ्रीक्वेंटली आता है। डायरिया मतलब कुछ नहीं होता, दस्त होता है जिसमें पानी जैसा मल जो सामान्य से अधिक बार होता है उसको डायरिया बोलते हैं। तो आज जो एक टॉपिक है डायरिया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि डायरिया क्यों होता है, किन किन वजह से होता है, डायरिया होने से कौन सी मेडिसिन रिकमेंडेड करते हो, और डायरिया के केस में कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं की जाती है। तो वो सब बातें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ताकि आपको डायरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। तो ये डायरिया का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो केवल एंड केवल एजुकेशन पर्पस के बना लिए बना रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं डायरिया, तो कि डायरिया क्या होता है। डायरिया का नाम सुनते ही कि आपको ये समझ में आता होगा कि आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोई का साइड इफेक्ट किसी का पूछते तो आप वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया बोलते। तो डायरिया हर किसी केस में आप लिखते हो, तो उस केस में क्या होता है कि डायरिया क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायरिया कुछ भी नहीं है, डायरिया लूज वाटरी स्टूल डेट अक्कर मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये एक दस्त ढीला पानी जैसा मूल जो सामान्य से अधिक बार आता है, मतलब बार बार बाथरूम लगना, और जो आता है जो सामान्य मूल उससे भी अधिक बार आना और दस्त लगना, धीरे धीरे निकलना, उसको डायरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है, डायरिया क्यों होता है, कॉजेस जान जाते हैं कि कॉज जानते हैं कि डायरिया क्यों होता है। तो उस केस में मैं बता दूं कि डायरिया बहुत सारे केसेस से होता है, जैसे कि वायरल कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, प्रोटोजोअल कॉज हो सकता है, किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, या ओवर ईटिंग हो सकता है, और एल्कोहल का कंज्यूमशन से भी हो सकता है। तो इन सब केसेस में ये हो सकता है डायरिया का केसेस कि आपको डायरिया हो। तो वायरल कॉज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वायरल के इन्फेक्शन से भी आपको डायरिया हो जाता है। तो वायरल के केस में आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको डायरिया हुआ है। तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, या आपको क्या करना चाहिए कि आपको ओ आर एस पीना चाहिए। ओ आर एस जो कि क्या रहता है कि एक लिक्विड रहता है, जिसको पीने से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होता है और आपको एनर्जी वगैरह मिलती है। तो वो पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और बार बार लूज मोशन होने से आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको तकलीफ होती है। तो ओ आर एस कुछ भी नहीं होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होता है जो कि रिप्लेस कर देता है फ्लूड्स को, जिससे क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता और इसको डायरिया के केस में पिया जाता है। तो आपको पहले क्या करना है कि वायरल इन्फेक्शन से, तो उस केस में आपको ओ आर एस पीना चाहिए, और अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह रिकमेंडेड करते हैं, जो कि जिससे डॉक्टर आपको जल्दी ठीक कर पाए, और उस केस में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की रिकमेंडेड करते हैं। प्रोटोजोआ कॉज और बैक्टीरियल कॉज में आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक रिकमेंडेड कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एंटी, आपको फीवर आया है, आपको सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, या आपके बॉडी में पेन कर रहा है, तो उस पेन को रोकने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक की वजह से कभी कभी आपको डायरिया हो जाता है। तो उस केस में क्या करने का है कि आपको ओ आर एस पीना चाहिए बार बार, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी नहीं हो, और आपकी जो स्टमक है उसका संतुलन बना रहे। और नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी किसी पर्सन को दूध का सेवन सही से नहीं होता है, वो सेवन करता है तो उसके पेट में पचता नहीं है, मिल्क जो मिल्क रहता ना, दूध जिसको बोलते हैं, वो पचता नहीं है, जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर
लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है और उसको डायरिया वगैरह हो सकता है। तो डायरिया जिसके केस में क्या होता है कि आप अपना पर्सनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते घर पे, और आप है ना जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। और डायरिया का कॉजस एक और है कि जिसमें आप है ना ज़्यादा खा सकते हो। कभी क्या होता है सैटरडे नाइट है तो उस केस में क्या होता है कि आपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह किया या ज़्यादा खाया तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है, और जिसके कारण आपको डॉक्टर ORS पीना चाहिए और कुछ मेडिसिन जो मैं आगे बताऊंगा वो लेना पड़ता है। और अल्कोहल की वजह से भी आपको हो सकता है, अल्कोहल जो रहता है उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। तो ये सब कॉजेस है जो कि वायरल इन्फेक्शन से, वायरल कॉजेस है, बैक्टीरिया कॉजेस है, प्रोटोजोआ कॉजेस है, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस है और ओवर ईटिंग की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। तो उस केस में क्या करने का है कि मेडिसिन रिकमेंडेड करते हैं, ORS रिकमेंडेड करते तो वो सब लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरिया है तो उस केस में क्या करेंगे कि डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे कि ORS तो देंगे ही आपको, उसके साथ भी बहुत सारी मेडिसिन देंगे। जैसे कि आपको देंगे सबसे पहले जो ड्रग आता है उसका नाम रेसिग्लिन SB करके एक प्रोडक्ट है जो कि पीडियाट्रिक यूज़ के लिए रहता है, बड़ों के लिए भी रहता है। तो ये दिया जाता है सेसे जो कि ऐसे फॉर्म में आता है और इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो कंटेंट है रेसिका ड्रोट्रिल करके कंटेंट है जो कि एक एंटी सीक्रेटिंग ड्रग है। एंटी सीक्रेटिंग ड्रग क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट करता है कॉमन कंपाउंड्स को इनहिबिट कर देता है और सीक्रेशंस को, जिससे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि GID में क्या होता है कि गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी सही कर देता है। तो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि एंटी सीक्रेशंस क्या होता है। तो एंटी सीक्रेशंस में क्या है कि ये आपका स्टोमक है, आप समझो इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ है या बहुत पदार्थ है बराबर। तो ये क्या कर देता है कि एंटी सीक्रेशंस ड्रग क्या करता है कि इसको ये आपके मुँह से अंदर चला गया बराबर। आपने इसको लेने से क्या होता है कि जो फूड का मूवमेंट है वो ज़्यादा खाने के डिजोल्व होता है, डाइजेस्ट होता है। तो वो क्या करता है कि एंटी सीक्रेशन ड्रग क्या करता है कि उस फूड को ज़्यादा हिला डुलाता नहीं है, जिससे क्या होता है कि आपका जो फूड है वो अच्छे से पच जाता है और आपका स्टूल के थ्रू, आपका रेक्टल के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है डायरिया का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये एक एंटी सीक्रेशंस ड्रग है जो कि कम कर देता है इंटेस्टिनल के अंदर हाइपर सीक्रेशंस। हाइपर मतलब जो ज़्यादा इधर इधर घूमता रहता है तो उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपका फूड इजीली पच जाता है और उसकी वजह से आपको तकलीफ नहीं होती है। और आपको ये क्या करते हैं कि इसका ये जो फूड है वो इजीली निकल जाता है और डायरिया वगैरह का केसेस कम हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये सीक्रेशन जैसे म्यूकस गैस्ट्रिक एसिड का ग्रोथ वगैरह हार्मोन्स के अंदर कम कर देता है। तो इसका डोज क्या रहता है कि 100 mg TID मतलब दिन में दो बार दिया जाता है, 7 दिन के लिए दिया जाता है। बच्चों के अंदर 1.5 mg/kg डोज दिया जाता है, तो वो वेट के हिसाब से दिया जाता है एंटी सीक्रेशन दवाई का। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो एंटी मोबिलिटी ड्रग है, जो कि ड्रग में एंटी मोबिलिटी मतलब आपके पेट में तकलीफ हो रही है तब ये डॉक्टर दिया जाता है। और ये ड्रग केवल एंड केवल डायरिया के केस में दिया जाता है, और आपको तकलीफ होती है जब डायरिया वगैरह होता तब दिया जाता है, तो उस केस में दिया जाता है। तो एंड डायरिया का आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ये ड्रग कब दिया जाता है और किन किन केसेस में दिया जाता है। तो एंटी मोबिलिटी क्या करता है कि स्लो डाउन कर देता है GI के मूवमेंट को। तो मतलब वापस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये आपका स्टोमक है, सपोज आपका ये स्टोमक, ओके ये आप हो, आपका स्टोमक है, इसके अंदर आप खाना खाया, फेरिंग से सीधा आपके स्टोमक में के अंदर गया, स्टोमक में ये फूड है, समझ गए आप, ये फूड है। तो ये मेडिसिंस क्या करती है कि एंटी मोबिलिटी ड्रग क्या करती है कि GI के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको स्लो कर देगा, जिससे क्या होता है कि
जो आपका पेट में गड़बड़ चल रहा है तो वो ठीक हो जाता है। तो ड्रग इसके अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है कि लोपामाइड्स ड्रग यूज़ किया जाता है, जो कि एक एंटी मोबिलिटी ड्रग है। और ये क्या करता है कि ये चिल्ड्रंस को, 6 साल के बच्चे छोटे रहते हैं उनको 2 mg फॉलोड किया जाता है, 1 mg फॉर इच मोशंस के लिए दिया जाता है, और जो 12 साल से ऊपर है उसको 4 mg दिया जाता है और 2 mg आफ्टर इच मोशंस के लिए दिया जाता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डायरिया के केस में कौन सी दवाई रिकमेंडेड की जाती है और ये कैसे काम करते हैं। तो डायरिया किन किन वजह से होता है, डायरिया के केस में ड्रग जो रहती है एंटी सिक्रेशन ड्रग रहती है और एंटी मोबिलिटी ड्रग रिकमेंडेड किया जाता है और ORS दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका डायरिया ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।